हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप फ्रेंड्स कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, उसका कारण था बहुत बड़ा। अब मेरी मदर इन लॉ जो है एक्सपायर हो गई हैं, तो उसकी वजह से मैंने जो है वीडियोस नहीं बना पाई हैं। बहुत परेशान थे घर में सब लोग, बहुत दुखी थे। बट कोई नहीं, ज़िंदगी तो आगे जीनी है और काम भी करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ जो है शेयर करने वाली हूँ, जो फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है वो जो है ऑर्गेंजा टाइप का थोड़ा सा फैब्रिक है, जो फूला फूला सा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरीके से जो है सर्कल इसमें से कट कर रही हूँ। और आप चाहो तो इसमें से सर्कल कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हो। बट इस तरीके से करने से क्या होगा कि एक अच्छा सा मेजरमेंट मिल जाएगा और सारे के सारे जो हम बनाने वाले हैं फ्लावर, वो जो है बहुत अच्छे जो है बन के तैयार होंगे। तो मेरा जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा जो है कम था, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे बहुत ही उससे कट किया है इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको यूज कर सकूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको जो है सर्कल को कट कर लिया है। तो मैं सारे कपड़े को इसी तरीके से कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इसके जो साइड है उसको हल्का हल्का सा यहाँ पे देखिए मोमबत्ती मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, ताकि जो इसके धागे हैं, रेसे हैं, वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हो जाए। और अभी इसके जो बचे हुए पीस हैं, इन्हीं को मैं जो है यूज़ में लेने वाली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे अदर कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए, इसमें हल्का सा रख करके और इसको अच्छे से थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। और फिर हमें लेना है धागा इसके मैचिंग का, ये देखिए। तो धागा आप कोई सा भी ले सकते हैं, रील का भी ले सकते हैं या फिर अदर कोई धागा। आपको बस इसको टाई करना है, अच्छे से मैचिंग का ही होना चाहिए धागा। इस तरीके से अच्छे से लपेट देंगे और कई सारी जो है यहाँ पे देखिए नॉट लगा देंगे हम इस तरीके। आप किसी भी तरीके से जो है इसको टाई कर सकते हैं, आप अपने अपने हिसाब से भी आइडिया लगा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं देखिए सारे के सारे जो है इसमें लपेट करके अच्छे से टाई कर दूंगी और जो है काफ़ी सारे फ्लावर हम यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे दो पीस पड़े हुए थे इस कपड़े के, तो मैं दोनों के यहाँ पे बनाने वाली हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, आप लोगों ने स्टार्टिंग में तो जो है इंट्रो देख ही लिया है कि कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो फ्लावर हैं वो पिंक कलर के जो है रेडी कर लिए हैं। और अभी जो दूसरा फैब्रिक है वो थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है, तो उसको भी मैं यहाँ पे देखिए बना लूँगी। तो मैं इन दोनों को यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए वो सेम मेथड है। और अगर आपको यहाँ पे सेंटर समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके ना एक क्रीज बना लेंगे, लाइन बन जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको बीच सेंटर में कैसे रखना है। और फिर जो है बहुत ईजीली आप जो है बराबर बनेगा। तो इसमें आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े को जो है यूज़ करते हो तो उसमें कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे जो है यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं, और इतने प्यारे थे कि मैं तो खेलने ही लग गई थी इनसे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितने प्यारे बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक कपड़ा लिया है जो हल्का सा वेलवेट टाइप का है, वेलवेट का नहीं है बट वेलवेट टाइप का ही था। साइन अच्छी थी इसकी और थिकनेस भी अच्छी थी, तो मैंने इस कपड़े को लिया है। आप इस कपड़े की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। न्यू कपड़ा था ये, बचा हुआ था स्टिचिंग से। तो अगर आपके पास कोई पुराना जैसे अच्छा सा कंडीशन में दुपट्टा होता है या कोई साड़ी होती है जो कि कई बार होता है फट जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम की होती है, तो उसको भी आप यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। और आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आगे मैं बताऊंगी कि इसको जो है आप किस तरीके से कटिंग करेंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे रखनी है। तो आपको यहाँ पे बस सर्कल कट करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसका सर्कल कट किया है। आप चाहो तो कोई जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के भी आप जो है इसको सर्कल कट कर सकते हैं, जैसे कि प्लेट वगैरह या कोई ढक्कन वगैरह बड़ा सा सर्कल कट कर सकते हो। तो हमारा सर्कल देखिए कट हो गया है और मैंने इसमें 2.5 इंच के मार्जिन पे देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पे और सर्कल बना लिए हैं। तो आप चाहो तो प्लेट की मदद से बना सकते हो, देखिए इस तरीके से बड़ा, छोटा, फिर और छोटा, जो भी जितना भी आपको रखना हो इसमें। तो मैंने ये लाइनें क्यों बनाई हैं, इसलिए बनाई हैं क्योंकि मैं यहाँ पर जो है इसमें लेस लगाने वाली हूँ, क्योंकि कपड़ा मेरा जो है लगभग प्लेन ही था, तो मैं इसमें थोड़ी सी जो है लेस लगा दूंगी तो अच्छा हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आपके कपड़े पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके कपड़े पे वर्क है और अगर अच्छा दिख रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो है देखिए सिलाई जो हम लगाते हैं मोड़ते टाइम साइडों में, तो उसको लगाने का एक जो है यहाँ पर ट्रिक है कि आप पहले ही जो है कपड़े में एक सिलाई लगा लेंगे किनारी किनारी पे, तो जब हम इसको मोड़ते हैं ना तो हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल भी सिलवट नहीं आती, उसमें सिकुड़ता नहीं है। तो आपको पहले सिंपली इसमें सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद इसको मोड़ना शुरू करना है, तो उससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
और मैं आपको देख के दिखा दूँगी अभी सिल करके कि इसकी फिनिशिंग जो है कितनी अच्छी आई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हैं सिलाई में कहीं पे भी झोल नहीं आया है, देखिए कहीं पे भी सिलवटें नहीं आई हैं। तो इसी ट्रिक से जो है इसमें सिलाई लग जाती है, जो सर्कल पार्ट होते हैं उनमें सिलाई लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये जो है ट्रिक है। और अभी हम जो है देखिए इस पर लेस लगा चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लेस लगाने बस से ही कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसमें थोड़ी सी कलाकारी करेंगे। ये जो क्लोथ के हमने फ्लावर बनाए हुए थे इनको हम यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से मैं पहले अरेंज कर लूँगी ताकि एक आइडिया हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया। अब हम एक एक पार्ट को उठाना है और यहाँ पे देखिए सुई धागे की मदद से इसको लगा देना है। तो मैं इसमें जो है एक एक मोती भी डाल रही हूँ गोल्डन कलर का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो है आप फ्लावर को भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखे किसी जो है इसमें धागा बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है और पूरे में जो है मैंने इसको लगाया है फ्लावर का, तो एक ही धागे से मैंने लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, धागा मैं तोड़ नहीं रही हूँ, इसको नीचे से जो है लगा दे रही हूँ। ये देखिए एक मोती डाल रही हूँ पहले, और मोती डालने के बाद फिर मैं जो है इसमें ये फ्लावर डाल रही हूँ और फिर वापस से उसी मोती में जो है देखिए सुई निकाल करके और फिर जो है मैं नीचे से इसको वापस ले ली उस सुई को। ये देखिए इस तरीके से। तो इसमें जो इस तरीके से करने से क्या होगा कि एक नॉट भी लग जाएगी और हमारा जो है धागा खींचेगा नहीं बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये जो है बहुत ही परफेक्टली लग जाएगा। तो मैं इसी तरीके से सारे के सारे फ्लावर लगा लूँगी और उसके बाद जो है आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊँगी कि जो है ये किस तरीके का लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक किस तरीके से आया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद, और आप खुद ही इसमें देख सकते हैं कि हमने जो है कुछ भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, बस एक जो है लेस लगी हुई है। तो इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको किस तरीके से लेना है। तो ये देखिए जो हमारी प्लेट होती है, जिस भी प्लेट के लिए आप बनाना चाहते हैं उससे जो है आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो एक्स्ट्रा क्यों लेना है उसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखिए जब भी हम जब पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक लोटा होता है, थोड़ा बहुत सामान होता है, तो कहीं भी जाते हैं ग्रुप में या मंदिर जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट जो है बढ़ जाती है। तो अगर हम जो है एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे तो हमारा जो है छोटा पड़ जाएगा, जब हम इसके ऊपर कवर करेंगे इसको ढकेंगे तो ये जो है छोटा पड़ जाएगा। अगर हम बिल्कुल प्लेट के नाप का इसको अगर बनाते हैं तो ये जो है छोटा पड़ जाएगा, तो इसीलिए हमें जो है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना है ताकि जब हम इसको ढके प्लेट के ऊपर तो जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें।